इस लॉयर के ऑफिस में कितना काम करना पड़ता है, कभी इनका ये काम करो कभी इनका वो काम करो, ऊपर से घर के काम भी करवाते हैं और एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते मुझे। न जाने कब इस ऑफिस और इस शहर से मुझे छुटकारा मिलेगा। ए यंग लॉयर जी सर, आपको न्यू मिल्स जाना होगा, शहर से 40 मिल्स दूर, और ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, तुम्हें ये ओलिवर लुटकिन को देने होंगे। हमें ये आदमी हर कीमत पर चाहिए, इसने हमारे किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया है, ठीक है? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ सर जो आपने ये काम मुझे सौंपा है, मैं आपके लिए ओलिवर लुटकिंस को पकड़कर जरूर लाऊंगा। चलो ठीक है, होप सो। थैंक यू सर। थैंक यू गॉड, इस बहाने मुझे इस शहर से छुटकारा तो मिलेगा कुछ दिन के लिए ही सही, और किसी गांव में जाने का मौका भी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अपनी लॉ की ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन चुका था एक मस्त कोर्ट में। मुझे कोर्ट वाले कागजी पत्र लेकर गंदे और अंधेरे इलाकों में भेज देते थे, उस दोषी को ये पत्र दो, उसको ये दो, उसको यहाँ से पकड़ कर लाओ। न्यू मिलियंस तो पहुँच गया, यहाँ का तो बुरा हाल है, इस गांव में सब उल्टा पुल्टा है, सिर्फ लकड़ी की दुकानें हैं, यहाँ सड़कों पर कीचड़ भरा हुआ है, ये बदबूदार गांव, उफ मेरा तो दम घुट रहा है, यहाँ कहाँ फंस गया मैं, जल्दी से अपना काम निपटाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। इतने बड़े गाँव में मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा, देखता हूँ कोई ओलिवर लुटकिंस का पता मुझे बता दे। ये आदमी शरीफ दिखाई देता है मुझे, 40 की उम्र, कपड़े पुराने और लाल चेहरा, उत्साह से भरा हुआ। चलो इसी से पता पूछता हूँ। अरे भाई, मुझे एक आदमी की तलाश है, वो आपके एरिया से ही है, उसका नाम है ओलिवर लुटकिंस, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेगा? ओह लुटकिंस, एक घंटा पहले देखा था मैंने उसको, बड़ा मुश्किल है उसे ढूंढना, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, वो अभी 5 खेल रहा होगा फ्रिज की दुकान पर। तो मुझे क्या करना चाहिए? ओ मेरे बच्चे, ढूंढने की बहुत जल्दी है आपको। जल्दी तो है, मुझे दोपहर की ट्रेन से वापस भी जाना है, मैं बड़े इम्पोर्टेंट और सीक्रेट मिशन के तहत आया हूँ। तो एक काम करता है, मैं अपनी घोड़ा गाड़ी लाता हूँ, लेकिन एक घंटे के $2 लगेंगे। $2? चलो ठीक है, ले चलो फिर मुझे। चलो फिर। अरे यार, पिल तो कितना फ्रेंडली और ओपन माइंडेड है, कितने अच्छे तरीके से मुझसे बात कर रहा है। मुझे पता है ये इसका बिजनेस है, पर ये बंदा तो बहुत रियल। बिल को मैंने $2 एक घंटे का हिसाब तो देना है, पर मैं फिर भी खुश हूँ कि पैसे कम से कम किसी अच्छे इंसान के पास तो जाए। तो कैसी लगी मेरी घोड़ा गाड़ी? बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ब्लैक बॉक्स पर पहिए लगा दिए हो। तो आप बच कर कहाँ जाएगा लुटकिंस? अरे आप गाँव वाले लोग तो स्ट्रेंजर की बहुत ज्यादा मदद करते हो। हाँ ये तो है, आपने तो ऐसा मान लिया है कि लुटकिंस को पकड़ने का मेरा नहीं आपका खुद का ही हो। अरे नहीं लॉयर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बात बताओ आप मुझे, कहीं आपके पैसे तो नहीं देने उसने? नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर देने भी हो तो भूल जाओ, वो किसी के पैसे नहीं लुटाता, मेरे खुद के 50 सेंट रख रखे हैं उसने ताश की बाजी के। अरे लुटकिंस तो बहुत खतरनाक आदमी हुआ फिर। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, पर पैसे के मामले में थोड़ा सिस्टम खराब है। अच्छा चलो फिर, एक सलाह दूं मैं आपको, अगर ऐसे फैंसी कपड़े पहनकर जाओगे तो भाग जाएगा वो आपको देखकर। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप एक काम करना, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे रहना, जैसे ही मैं उसे पकड़ता हूँ आप आ जाना। अरे ये तो बहुत मस्त आइडिया है, लेट्स डू इट। और वैसे मैं लुटकिंस को कोर्ट के ऑर्डर देने आया हूँ, उसके केस में गवाही की जरूरत है, अगर उसने गवाही दी तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलो मेरे भाई, लुटकिंस को सरप्राइज देते हैं। वैसे मेरा नाम बिल है और मुझे मैग्नूसन भी बुलाते हैं, वैसे मेरा बिजनेस है विलियन मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। चलो भाई फिर फ्रिट्स की शॉप पर ले चलो मुझे। हाँ हाँ चलो, उम्मीद तो है वो वहाँ पर मिल जाए, वो ताश बहुत खेलता है और उल्लू बनाने में बड़ा पक्का है। चलो फिर चलिए। क्या तुमने ओलिवर को देखा? हाँ, बुक शॉप की दुकान पे सीन करने गए। अच्छा
ओलिवर को देखा? भाई क्या तुमने देखा? नहीं देखा। यार गुसाब को इसने पैंटी डॉलर देने हैं, इसलिए वो बाल कटाने ग्रे के पास गए। चलो फिर ग्रे के पास ले चलो। हम लेट हो गए, 5 मिनट पहले ही निकल गया वो। अरे यार मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग गई, कहीं रेस्टोरेंट में ले चलो खाने के लिए। रेस्टोरेंट तो चारों तरफ बेकार खाना बनाते हैं, आप मेरे घर चलो, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी बीवी कितने रुपए लेगी खाने का? $0.50 दे देना यार। चलो फिर, चलो फिर। यहाँ के पेड़ पौधे पहाड़ लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारा गांव है मिलिया। लोयर साहब न्यू मिलियंस गांव है इतना मस्त, यहाँ पे एक मिनिस्टर भी रहता था। एक दिन उनके परिवार पे कर्जा बढ़ गया, उसके बाद मिनिस्टर की वाइफ चर्च में जोर जोर से गाना गाने लगी। ये देखो कॉलेज के लड़के कितना बन ठन के कॉलेज जाते हैं यहाँ पे। और आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे एक लॉयर रहता था, वो कभी कॉलर डालता तो टाई भूल जाता, टाई डालता तो कॉलर भूल जाता था। अरे यार खाना सचमुच स्वादिष्ट था, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू। अरे यार लेकिन लुक की नहीं मिला अभी तक। वो उसकी माँ के पास मिलेगा, उसकी माँ बहुत शैतान है, लंबी चौड़ी बदसूरत है वो। अरे यार मुझे उसके पास ले चलो। चलो फिर। चलो। अम्मा, अम्मा। हाँ बेटा, क्या काम है? ओलिवर को बुलाना जरा। ओलिवर को? अभी लाती हूँ। अरे यार ओलिवर यहाँ मिल तो जाएगा ना। मेरा नाम बिल मैगुनसन है, मैं उसे कहीं भी ढूंढ निकालूंगा यार। चलो अच्छा है, ऐसा ही हो तो। चलो अभी आएगा। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें कच्चा जमा जाऊंगी, आगे किल लो। अरे यार बहुत बुरा हुआ हमारे साथ तो। कोई बात नहीं सर, वैसे भी मैंने सारा घर चेक कर लिया, वो यहाँ है ही नहीं। अरे यार अब तो मेरी ट्रेन का टाइम भी हो गया है, मुझे तो जाना पड़ेगा, ओलिवर तो नहीं मिला। लेकिन यार तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम बहुत अच्छे बंदे हो, लो तुम्हें तुम्हारे पैसे देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ओ मूर्ख लॉयर। जी सर। मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, तुमसे कोई काम नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ओलिवर लुटकिन को ये सम्मन देना है, पर तुमने ये नहीं दिया। वो मुझे मिला ही नहीं सर। तुमसे कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब तुम्हारे पास नौकरी बचाने का एक ही रास्ता है। क्या सर? तुम्हें ये सम्मन ओलिवर लुटकिन को देना होगा। मैं तुम्हारे साथ एक काबिल ऑफिसर को भेज रहा हूँ, उसे ओलिवर लुटकिन के बारे में पता है। जी सर। अब जाओ जल्दी से। जी सर। सर अब की बात तो ओलिवर लुटकिंस को पकड़ना ही होगा। मैं ओलिवर को जानता हूँ, मैंने उसका चेहरा अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो हम जरूर पकड़ लेंगे उसको, चलिए उनके घर चलते हैं। अरे सर आपको पता है ओलिवर तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन ये जो सामने बंदा खड़ा है इसका नाम बिल है, इसने मेरी उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद की थी, बहुत ही अच्छा बंदा है ये। अरे बेवकूफ तुम्हें नहीं पता यही तो लुटकिंस है। ओ माई गॉड इतना बड़ा धोखा। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। लो दो हमारे कागज, चलो चलते हैं। सर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं ये नौकरी त्याग रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ ये नौकरी। त्याग दो, त्याग दो। अरे अपना चेहरा तो दिखा दो। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पहली बार में किसी पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।